Want to hear from you. And the one thing that I'm sure that is on everybody's mind, you know, you're known for breaking stereotypes and you're known for really getting into the character with the roles that you play. When a script like this landed on your table, what was your first reaction? पहले तो नमस्कार आप सबको. बहुत सालों से वेट हो रही थी आपसे मुलाकात करने की. Finally हम मिल रहे हैं. And it couldn't have been better than meeting for a story so special for all of us. Sardar Udham. ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनते हुए, जिनके किस्से सुनते हुए अपनी दादी माँ से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से मैं बड़ा हुआ हूँ. ये कहानी के लिए मुझे हिस्ट्री बुक्स के लिए, हिस्ट्री बुक्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा था. तो इस कहानी को लेकर कई सवाल जवाब हैं एंड हम उस पर बहुत चर्चा करेंगे. एंड मैं भी उत्सुक हूँ वो सारी बातें करने के लिए. बट फाइनली आई थिंक इट इज टाइम कि हम उसकी पहली झलक, जो एक कहानी है जो कई सालों से सुजीत दा, रॉनी सर ये कहना चाह रहे थे एंड मुझे ये सौभाग्य हुआ कि इसका मैं हिस्सा बन पाया. तो ये कहानी की पहली झलक, द ट्रेलर, वी ब्रिंग टू यू एंड आई थिंक वी शुड प्ले द ट्रेलर एंड उसके बाद हम चर्चा करते हैं फिल्म की. एब्सोल्युटली. इतना कहूँगा कि बहुत सालों से ये फिल्म मेरे साथ था. इसको जिया हूँ मैं, इस फिल्म को. इस फिल्म को क्या कहूँ मैं, एक्चुअली शहीद ऊधम सिंह या शहीद भगत सिंह, इनके साथ मैं रहा हूँ. मैं दिल्ली में जब था, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, सो बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं शहीद भगत सिंह पे इतना फिदा हो गया कि मैंने कॉलेज भी वही ले लिया, शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली में. और तब से मैं पीछे पड़ा हूँ और रिसर्च करने में लगा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ ये कौन थे. और उनको जानते जानते मैं जलियांवाला पहुँच गया बाग. और पूरा पंजाब हिस्ट्री जो है, जो फ्रीडम मूवमेंट का है, उसमें पहुंच गया और पढ़ाई कर ली. और उसके बाद मैंने ठान लिया कि इस सब्जेक्ट का फिल्म ज़रूर बनाऊंगा मैं और लोगों तक पहुंचाऊंगा. जो मेरा एक पर्सनल जो एक टेक है, वही मैंने इस फिल्म सरदार ऊधम में करने की कोशिश की. एंड आई होप दैट आप सबको पसंद आए और आप इस फिल्म की जो कहानी है और इस फिल्म की जो सैक्रिफाइस है, इसको आप लोगों तक पहुंचाएं. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली. टू डेकेड्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एज सुजीत दा सेड, व्हेन ही वाज इन कॉलेज ही थॉट अबाउट इट एंड आई थिंक वी मेट समवेयर इन 1999 एंड सिंस देन दिस वाज आवर ड्रीम टू मेक अ फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट. बिकॉज हिस्टोरिकली स्पीकिंग, India was ruled for over 200 years, out of which 90 years were spent on fighting for our freedom. Today we sit down very, we are breathing the fresh air and everything, but our ancestors, they really gave it their all for this freedom. 90 years they fought, so there were thousands of freedom fighters who fought for our independence. At the same time, I think this incident and this film, I feel, is more of an international subject, because somewhere down the line, the colonial history of worldwide, it touches upon. There were so many countries, if you look at the whole Commonwealth countries, have all been under the British rule, or the South American countries which have come under the Spanish rule or something. So it's a very universal subject, this, and it touches the emotion probably of the whole world. So as a result, I would say we are very happy that we are with Amazon Prime Video, because they are going to give us that reach of going to 200 plus countries where everyone can relate to this subject. So yes, I mean, it's a very important film for everyone to watch. Thank you. Thank you, Ronnie. Thank you so much.